हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा स्क्रीन रेडी है स्क्रीन, और क्या मेरा वॉइस आ रहा है? ठीक ठाक आ रहा है तो मैं स्विच करता हूँ। ये मेरा जो स्क्रीन रेडी हो गया। थैंक यू अनुभा मैम। एक सेकंड। ओके, जैसे कि मैं देख रहा हूँ स्क्रीन मेरा रेडी है और मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज ठीक ठाक आ रहा है। ओके ओके ओके, डीके जी एंड ज्योति जी, माधवी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके ओके ओके, थैंक यू। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया है इमेज, और मैं बाद में इसे सोशल नेटवर्क जहाँ भी है मैं शेयर कर दूंगा। चलिए फिर मैं तो शुरू करता हूँ। काफी कूल हो गया, तो वैसे भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कूल मौसम है, एकदम बारिश बारिश होने का है। हेलो जननी मैम। ओके, सुबह सुबह आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चलिए तो मैं अपना हेयर बैंड लगा देता हूँ। क्योंकि कैमरे में आता रहेगा लॉकडाउन में, यू नो। ठीक है तो शुरू करते हैं। ये कंपोजिशन जैसे कि आप देख पाते हैं कि वेनिस का है, और हमेशा वेनिस का कंपोजिशन हमेशा खूबसूरत होता है। किसी भी एंगल में हम चले जाए तो सुबह सुबह ऐसा लगा कि क्यों ना एक वेनिस हो जाए। तो यहाँ पे कुछ देखो, कुछ इस तरह से वन पॉइंट से इस तरह से कुछ हमें लाइंस देखने को मिल रहा है, जो बोट का लाइंस। थोड़ा पेंसिल लाइंस आपको कमी दिखेगा, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि जब पेपर व्हाइट होते हैं थोड़ी देर में जैसे एक वॉश हो जाएगा आपको ठीक दिखेगा। और आपके लिए थोड़ा सा मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ, शायद आपको ठीक दिख रहा है। ऐसे जगह देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो आपके कोरा कागज के ऊपर आपको प्लेसमेंट, ठीक है, कहाँ पे प्लेस करना है ठीक तरीके से, सही दिशा में सही जगह पे अगर प्लेस नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। मतलब शुरुआती जो है आपके बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले जो व्हाइट पेपर या कैनवास के ऊपर जब भी आप किसी चीज को ऑब्जेक्ट को करते हैं, उसका प्लेसमेंट बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे उसे सजाया। अगर वो आपके गड़बड़ हुआ तो पूरा कंपोजिशन गड़बड़ होता है और उसके साथ अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ का बोट का ड्राइंग कुछ अलग सा है, तो जब वेनिस का बोट बनाए तो ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल वाला वाला ना बन जाए या आसाम वाला ना बन जाए बोट, तो वो भी ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपके हमारे जो स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का बोट्स मिलते हैं हमें देखने को, तो इसके बाद जब आप बोट्स बनाएंगे और देखेंगे तो इस बात को भी थोड़ा सा गौर करेंगे कि हर स्टेट में अलग अलग
में हमें बोट दिखने को मिलता है। देखो पहली में बता दिया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव इशारा कर रहा है वन पॉइंट से, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में और जब रहते दाहिने और बाएं वाला ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, बल्कि वो सीधा ही होता है उसी रिच लाइन पे। और क्या करना होता है कि एक आपके जो सेंटर वाला एक बोर्ड को पहले ड्राइंग कर लेना है, जो भी उसके उसके रेफरेंस पे आपको बाकी आप आराम से कर सकते हैं। पानी में बहुत खलबली होता है तो बहुत सारे बोट ये देखो तिरछा विरछा होता रहता है। यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जरूर यहाँ पे रिफ्लेक्शन को लेके आऊंगा। बहुत ही सिंपल होगा, जब भी हम डेमो देते हैं और जो भी कंपोजिशन करते हैं थोड़ा सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होंगे आप इतना सिंपल करेंगे। तो देखो इस तरह से हमने बोट्स की ड्राइंग बना दिया, ठीक है। और मैंने रिफ्लेक्शन कहाँ से करूँगा वो भी थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लिया। बेम्बू शेम्बू का ड्रॉ नहीं करूँगा, वो ब्रश जहाँ से चलेगा वही मेरा बेम्बू बन जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा ये जो बोट का किनारा थोड़ा सा बाहर जाएगा, ओके। ये बहुत जरूरी है, स्काईलाइन कहाँ पे है, जहां पे है वहीं पे देना है, क्लियर हो गया। स्काईलाइन जहां पे, मान लीजिए बोट मैंने यहाँ पे बनाया तो स्काईलाइन यहाँ पे नहीं रह जाएगा, यहाँ पे लेके आना है। तो ये बोट और स्काईलाइन के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्ट है, क्योंकि जो फोटोग्राफर या जो जहां से हम इस बोट को देख रहे हैं उसका आई लाइन, जो आई लेवल है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, उस स्काईलाइन पे जाके मिलता है जहां आसमान और पानी में जाके एक लाइन बन रहा है, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारा आई लेवल है, उस आई लेवल को जो भी आप सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट है उसके जहां से गुजर रहा है वहीं पे लगाना है। बात को नोट कर लीजिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट बनाते हैं, आप मान लीजिए वो आपके, मेरा फोकल क्या है, यही है ना, जो बोर्ड्स है सामने, जो फोरग्राउंड में जितने भी बोर्ड्स है उसके रिफ्लेक्शन, यही फोकल एरिया है। उनमें से भी आप एक को फाइंड कर सकते कि फोकल पॉइंट, सभी को ना करके एक को। और यहाँ पे तकरीबन मैं इस लाइन पे जो भी है इनको सभी को करूंगा, और सब्जेक्ट के बाद जो हॉरिजेंटल लाइन कहाँ से चल रहे वो मेंटेन करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ से देखो ये जो लाइन यहाँ से मेंटेन, मैं भी वही से इस लाइन को डाला, भले मेरा आसमान ज्यादा रहे कम रहे, क्योंकि पेपर उसकी हिसाब से क्रॉप नहीं किया, पेपर थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है, बट वो उसी हिसाब से देखने के लिए जिस हिसाब से रेफरेंस है हॉरिजेंटल लाइन को सब्जेक्ट के साथ शिट करना है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे और एक खास बात है, क्योंकि जो वेनिस का जो वो सब होटल वगैरह जो भी है, बड़े पैलेस वगैरह है, वो जितना साइज है ना छोटा, अगर बड़ा कर दिया यहाँ पे बहुत बड़ा कर दिया तो फिर वो नजदीक हो जाएगा, तो एकदम छोटा सा रखूंगा मैं एकदम। कुछ इस तरह से, ओके जी।
कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। कलर देखो कितना सिंपल है, कलर क्या क्या है वो पहले समझ लेते हैं हम। कलर में यहाँ पे फील कर रहा हूँ कुछ येलो ऑकर है, टार्कोइश है, फिर देखते हैं। हमेशा जब आप काम करेंगे तो उस पे एक्सपेरिमेंट आप करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है कि हर वक्त हम एक्सपेरिमेंट करते ही है। तो ये रहा येलो ऑकर, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ होता रहेगा, एक्सपेरिमेंट करते आना है। थोड़ा सा मैं येलो ऑरेंज को भी टच लिया, उसमें ज़्यादा ब्राइटनेस है यहाँ पे है मेरे येलो ऑरेंज, थोड़ा सा ब्राइट ऑपेरा भी लिया, उसमें भी थोड़ा सा ब्राइटनेस अच्छा खासा है, तो इनसे भी वो येलो ऑकर का साथ ही है। ओके, ग्रीन जो है एकदम ओके, थोड़ा सा मैं लेमन भी लूंगा, जो मैं फील कर रहा हूं सडनली, जो फील कर रहा हूँ उसी को मैं टचअप ले रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आपको मालूम रहना चाहिए कि आपके पेपर सूखने के बाद कितना कलर रहेगा, तो मीन्स आप जब ज्यादा काम करेंगे आपको उसका समझ आता रहेगा। तो यहाँ पे येलो और टार्कोइस मिल के थोड़ा सा ग्रीनिश टोन बन चुका है। उसके बाद थोड़ा टार्कोइस को और थोड़ा ज्यादा करूंगा, टार्कोइस खत्म हो गया डालना पड़ेगा। अच्छा, पेपर जो यूज कर रहा हूं मैं, बाउहांग का पेपर है, कोल्ड प्रेस। तो फास्ट वाश में कोई टेंशन नहीं है, कुछ हाइलाइट्स है वो छोड़ दिया, इतना कुछ रोल नहीं है। जो सेकेंड वाश में आएंगे तो उसमें भी वो हमें दिखेगा। तो यहाँ पे आप शायद उतना फील नहीं कर पा रहे, एकदम जो लाइट है मर्ज होके एकदम कलर के साथ आया है, ठीक है। ओके, तो कुछ टाइमिंग होता है वाटर कलर में, कुछ टाइमिंग होता है, उस टाइम तक आप काम करेंगे तो वो कलर को ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद जैसे आप करते हैं तो वो कॉलीफ्लावर बनने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टार्कोइस के साथ थोड़ा सा अल्टरमेंट डीप को लूंगा। क्या कलर था इधर? पेंस ग्रे, थोड़ा सा जस्ट मैं हल्का सा डार्क लिया है, और पानी में वो वेव्स वेव्स बनाने के लिए ना इस वक्त ही देना है जब ये गीला रहता है। थोड़ा सा वायलेट भी है, और गीले में ही देना है ये। और अगर आपके पेपर ज्यादा खड़ी है, मतलब एंगल पे है, तो उसे थोड़ा सा सीधा कर दे, क्योंकि इस वक्त ज्यादा अगर गीला होगा तो वो ज्यादा नीचे आता जाएगा। तो ये अभी इसका फीलिंग एंड में होगा, रिफ्लेक्शन बनने के बाद जो पानी में जो ऐसे फुलाव फुलाव सा महसूस है, ये तब आता है। देना कब है? इसी गीले गीले पे देना है। ओके, तो बस मैं ज्यादा नहीं, प्लेन वाटर से भी थोड़ा सा मैं देता हूं। ओके, इसे अभी सूखने देना है, तो मैं इंतजार क्यों करूं, तो मैं इसे ड्राई कर लेता हूं।
एक सेकेंड. इस वक्त पेपर को पहले जैसा मैंने ट्राई कर लिया है और चलिए फिर इसे एंड करते हैं जल्दी. ऑरेंज ब्राइट ऑपेरा ये जो कलर है मतलब उतना यूज करना है कि वो डेप्थ बना रहे है. एकदम मैं पानी मैक्सिमम पानी को लेकर के यूज कर रहा हूं. थोड़ा सा येलो और फिर से टच लिया है. इतना दूर है इतना छोटा है इसमें ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है. हल्का सा एक कलर स्केल है और ये पहले मैंने लाइट कलर दिया बट उतना लाइट नहीं है, धुंधला हुआ सा थोड़ा कलर भी यूज करूंगा. बट उसे एक बार गीला करने से क्या होगा, ये जो मैं अभी कलर छोड़ रहा हूँ ये अच्छा होगा कि स्प्रेड करेगा. थोड़ा सा डार्क कलर यूज होगा. बट उसे हम गीले गीले पे करेंगे. आउटलाइन नहीं रखूंगा, क्योंकि जब भी दूर होते उसकी कुछ आउटलाइन नहीं बन पाएगा. हाँ मैं स्केच भी बनाया उषा जी, थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज. हेलो सुरभि जी, गुड मॉर्निंग. ओके तो इन कलर में थोड़ा सा कभी मतलब पानी यूज तो है ही है, कभी हार्ड नहीं होना चाहिए, पानी ज्यादा यूज रहना चाहिए और ये जो लाइन एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए. ओके थोड़ा सा नीचे नीचे थोड़ा सा डार्क कलर मैं छोड़ दूंगा.
जितना हो सके ये लाइन को एकदम सीधा रखना है। ओके थोड़ा सा एक्टिविटी और कर दिया, बस मुझे लगता है अभी नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया यहाँ पे। आई थिंक ओके। बहुत अच्छा एक ब्लू कलर है। अच्छा, मेरे पैलेट में सारे कलर मिजेलो का है, एक पेंस ग्रे जो है वो कैमिल का है। आपके साथ मेरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा, कलर ब्रश जो भी मैं यूज करता हूँ, किसी ब्रांड का प्रमोट नहीं होगा, जो अच्छा होगा आपको बताया जाएगा। हेलो अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो यहाँ पे जो कलर है मैं यूज कर रहा हूँ कोबाल्ट ब्लू है। ओके, अच्छा लग रहा है। अगर शुरू में मैं बहुत सारे पैचेस बनाता और उसको संभालता वो शायद अच्छा नहीं होता, जो मुझे अभी ये अच्छा लग रहा है। देखो एकदम पेपर व्हाइट नहीं है, बट जितना व्हाइट है उतना अच्छा। ओ थैंक यू अभिषेक जी। थोड़ा सा बीच में एक लाइन छोड़ना था, वो मिक्स पैच हो गया। बोर्ड के नीचे हिस्से में लाइट है। ओके, तो ज्यादा छोड़ा नहीं है। ओके, इसका मजा कब आएगा, जब नीचे का रिफ्लेक्शन बनेगा। और उल्टा भी हम कर सकते, पहले डार्क को ले सकते उसके ऊपर से।
तो पहले भी डार्क लेके उसमें आप ब्लू कलर को लाइट छोड़ सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ब्लू कलर में थोड़ा सा आप लाइट रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसमें व्हाइट ऐड कर सकते हैं। एक अलग से उसमें असर करेगा मिक्सिंग का। तो यहाँ पे मैं डार्क यूज कर लिया है। जब कोबाल्ट ब्लू हाथ में है कोबाल्ट ब्लू यूज कर रहा हूं, जब पेंस ग्रे है तो उसे पेंस ग्रे को भी लगा देता हूं। जितना छोटा पेंटिंग हो उतना आप मिनिमम स्ट्रोक्स यूज करने की कोशिश करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे के पास मैं वो सलाह इशारा दे रहा हूं। कॉन्फिडेंस लग रहा है खराब होगा तो होगा क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा भी इसमें भी कई बार मिक्स हो रहा है, जो हो रहा है खराब हो रहा है। डरना नहीं है, खराब करना है। वाटर कलर का जो वाटर कलर का जो धर्म बोलू वो खराब होना ही चाहता है हमेशा। वाटर कलर का जो धर्म है वो हमेशा वो खुद क्या होता है खराब होना चाहता है, और हमेशा हमें उसे संभालना होता है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे थोड़ा लाइन छोड़ लाइट छोड़ा मैंने, उसी से क्या हो रहा है कि अच्छा लग रहा है ना। बीच वाला बोट का जब भी डार्क यूज करें आप उस गीले गीले पे यूज करें ताकि हार्ड ना हो जाए, वो हार्ड नहीं होगा वो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स हुआ, ऐसे लाइट जैसे लगता है वैसे ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर भी वही है, सेम है, थोड़ा कम लाइट है। सो अभी थोड़ा टारकोइस के साथ, टारकोइस ग्रीन के साथ देखता हूँ, थोड़ा ऑरेंज बंसी आना। अभी ग्रीन को डार्क किया जा रहा है। वो लाइट वाला एरिया छोड़ के, बोट वाला ड्राइंग छोड़ के, और इस समय जब भी आप ये काम करें तो उसमें अच्छी तरह पानी मेंटेन करें।
अच्छा अच्छा लगे तो एक आधा लाइक भी करके जाइएगा, क्योंकि फिर लाइक अच्छा रहने से थोड़ा सा सजेस्ट भी होते हैं वीडियो और भाइयों को। ये जो कुछ स्ट्रोक्स है पानी का, वो ये जो चलता है ऐसे, कुछ भी कैसे भी कर दो नहीं चलेगा। थोड़ा सा फॉलो फॉलो करो कि कैसा है, रेफरेंस में कैसा है। 100% तो कोई भी नहीं कर पाता, बट कोशिश कर सकते हैं। और वो रियलिस्टिक भी नहीं करना कि एकदम, वो फिर उसका भी मजा नहीं आता। तो देखो इस तरह से मैं रेंडम किया, बट ठीक है। कुछ लाइट्स है वहां पे, कलर को मैं थोड़ा हटा रहा हूं। हाथ लगाओ, पांव लगाओ, खुद अंदर डाल घुस जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेफरेंस के नजदीक पहुंचना है हमें बस। इन्हीं कलर को थोड़ा सा डार्क करूंगा अभी, और थोड़ा रेड ब्राउन ऐड कर देता हूँ या पेंस के ऐड कर देता हूँ। और आप देख पा रहे कि जब भी मैं डार्क यूज करता हूँ वो सब गीले गीले फिर। फिर से शुरू हो जाता हूँ इस तरफ। बोट का कहाँ एंड हुआ, कहाँ कलर शुरू हुआ, फर्क नहीं पड़ता। ये दाहिने एक, ये जो डार्क कलर है, ये हमें एक फ्रेम क्रिएट करेगा, फ्रेम क्रिएट कर रहा है। ओ, मैं जैसे कि कह रहा था कि ये कदा ये जो है हमें ऑब्जेक्ट का काम करेगा एकदम, उसके लिए बेफिक्र होके हम इसे लगाएंगे। तो ड्राइंग इसलिए नहीं किया कि इसका मर्जी रहेगा हम कहाँ पे लगाए इसे, ठीक है। ओके तो यहां पे मैं दूंगा ये, उसे खराब नहीं करना चाहता हूं, देखता हूं क्या करें।
बीच में से, क्योंकि वो जरूरी है, इसे एंगेज करेगा, इसे भरेगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो मोटाई है वो भी ध्यान रखना, कि बहुत ज्यादा मोटा या बहुत पतला करने से भी अजीब सा लगेगा, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना होता है। जो छोटा है वो पतला कर सकते हैं, और पतला ही होना चाहिए। यहाँ बोला ना, बिल्कुल उसके ऊपर आया है, तो मैं थोड़ा सा साइड लेता हूँ। थोड़ा सा जिगजग वाला करना है, पानी का हलचल दिखाने के लिए। ओके, चलो गुड। थोड़ा सा ऑरेंज, तो काफी भर चुका है ना।
ये वाला थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा और भरना चाहिए, पता नहीं क्यों लग रहा है। तो देखो थोड़ा सा कवर हो गया, ये फील करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी तरह अगर हम देखते हैं रेफरेंस को तो एक्चुअली हम बहुत कुछ उसे समझ पाते और क्लियर हो जाता है। ओके, बहुत पतला सा काम है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, एक्टिव कर रहा हूँ। ब्रास्टो का है एक पेन, ब्रास्टो का और एक है, काफी सिंपल हो जाता है और अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा सूखने के बाद करना चाहिए, इसे आप व्हाइट कलर से भी यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 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 ओके, थोड़ा सा डार्क है यहाँ। थैंक यू जर्नी मैम, थैंक यू। उस बॉडी पार्ट का जो रिफ्लेक्शन यहाँ तक आना चाहिए तो मैं कवर कर रहा हूँ। हर वक्त तो रेफरेंस के साथ नहीं, थोड़ा सा सब्जेक्ट को देख के भी करना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। एक्चुअली राइट वाला आपको ये पेपर निकलने से क्लियर मालूम चलेगा। ओके okay. हाँ तो मैं कह रहा था कि थोड़ा ड्राई कर लेता हूँ। अगर पोल को थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिखाना थोड़ा अलग हो जाता है उस।
तो इस तरह से यूज करना है कि वो बिल्कुल मर्ज हो जाए उस पे ना। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए शुक्रिया। और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, और उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन अब सभी को आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा है, और यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। तो अपने वाटर कलर का प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, तो धीरे 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 कब इसके ऊपर आपको और ड्राइविंग अच्छा आ जाएगा, और आप जिमनास्टिक करेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा। एक ही काम करना है कि आपको डेली करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू, बने रहने के लिए शुक्रिया। और यहीं पे मैं एंड करता हूँ, टाटा करता हूँ, और सभी को शेयर करता हूँ ताकि उन तक पहुँचे। टाटा बाय, थैंक यू। ओके ओके, टाटा, थैंक यू सभी को, थैंक यू, बाय।